The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. डॉक्टर साहब, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, मैं क्या करूं? मुझे कहीं कोरोना तो नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे बचा लीजिए, इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, प्लीज़। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमें और कई एक्चुअल यंग छोटे छोटे टीनेजर्स के, कई 20-25 साल के बच्चों के, लड़कों के ऐसे मैसेजेस आते हैं, कई सारे जो एक्चुअली सिर्फ पैनिक अटैक या एनजाइटी या डर के मारे होते हैं। मगर आज हम बात करेंगे एक्चुअल सिम्टम की। अगर आपको एक्चुअली में हो रही है ब्रीदिंग डिफिकल्टी और आप नहीं जानते कि आपको कोरोना है या नहीं, डर लग रहा है, तो पहले समझिए कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है क्या और आप उसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड क्या है। कोरोना है भी अगर तो इलाज तो कोई है नहीं, टेस्ट करवा के भी आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे जो आपको वैसे भी लेने हैं, आपको कम्युनिटी स्प्रेड में प्रिकॉशन तो लेने ही। तो फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, जैसे फीवर हो रहा है, फीवर के बारे में हमने बात कर रखी है, या फिर आपको खांसी हो रही है, आपको छींक आ रही है, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा डेंजरस सिम्टम है और उस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फर्स्ट एड भी है जो आप घर में कर सकते हैं, अपना सैचुरेशन प्रोब चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, धड़कन चेक कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कई सारे लोग हैं जो एक्चुअली अपनी ब्रीदिंग को ग्रांटेड लेते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्चुअली आपको भी आ सकती है और कोरोना को छोड़ के दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जी हाँ, जब आप हमें फ़ोन करते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हमारा यही काम है कि हम ये पता करें कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है किस कारण से है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी छोटी सी हो सकती है कि भाई थोड़ा सा ब्रेथ जो है शॉर्ट आ रही है, दूसरी हो सकती है कि इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप डीप ब्रीदिंग ले ही नहीं पा रहे हैं, गैस्प करना पड़ रहा है एक एक सांस के लिए। और तीसरा हो सकता है आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है, सब ऐसा लग रहा है पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही, पूरी हवा नहीं जा रही अंदर, ऐसा एक्चुअली हो सकता है। सी, सबसे कॉमन मेडिकल इमरजेंसी है ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और मान लो ये चीज़ जो है एक थोड़ी सी फिजिकल एग्जर्शन से भी हो सकती है, ज़रा सा एक्सरसाइज करी, ज़रा सा ओवर एक्साइटेड हो गए, थोड़ी सी फीलिंग एक्साइटेड हो गई, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। थोड़ा सा आप पैनिक हो गए, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये जानना ज़रूरी है कि इसके कारण क्या है और क्या कारण हो सकते हैं, क्या आप में कोई ऑब्वियस रीज़न है क्या नहीं है। आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के वजह से, कई मेडिकल डिजीजेस, मेडिकल इमरजेंसी के वजह से हो सकती है। आपका मान लो फीमेल्स में खून की कमी ज़्यादा कॉमन होती है, एनीमिया है, पता है आपको मेरा हीमोग्लोबिन लो है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, बड़ी आसानी से हो जाएगी। आपको पहले से अस्थमा है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। आपको COPD है, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं पिछले कई सालों से, आप रेगुलर करते हो या इरेगुलर हो डजंट मैटर, आप पोल्यूशन के मारे हैं, ट्यूबरक्लोसिस के मारे हो, पहले पुरानी आपके हलंग डैमेज हो चुके हैं, आपको कोई हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, होती रहती है, अब बढ़ गई है कोरोना के वजह से है या वैसी है, ये कैसे बताएंगे। सो ये कारण आपको समझना है कि मेरी प्रीवियस कंडीशन क्या है, मेरा पहले का क्या है। आपको लंग कैंसर तो नहीं, आपको लंग की कोई दूसरी इन्फेक्शन तो नहीं, कोरोना को छोड़ के और भी दर्जनों, हजारों वायरसेस, हजारों बैक्टीरिया है, आपको वो भी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया, वूपिंग कॉफ, क्रू, बच्चों के लिए एक्यूट ब्रोंकाइटिस, हैं, कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेट चीज़ क्या है, आपका समझना कि कब डॉक्टर के पास जाना है, किस तरीके का इलाज करना है, दवा खानी है कि गर्म पानी पीना है, कि भाप लेना है, कि इन्हेलर लेना है, कि क्या करना है। कुछ मेडिकल इमरजेंसीज भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसी आ सकती है, जैसे अगर मान लो आपके लंग्स में, फेफड़ों में क्लॉट आ गया, खून का क्लॉट आ गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आपका लंग कोलैप्स हो गया, एक लंग कोलैप्स हो गया किसी कारणवश, चोट लगी, एक कोलैप्स हो गया लंग, हार्ट अटैक आ गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हाई एल्टीट्यूड में चले गए, बहुत ऊंचाई में चले गए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही, नेक में, चेस्ट में, लंग में इंजरी, पेरिकार्डियल, हार्ट के आसपास
हार्ट के आसपास पानी भर गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग के आसपास पानी भर गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, किसी प्रकार का मेजर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या पानी में डूब गए, नियर ड्राउनिंग हो गई, वो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अनेबल टू ब्रीदिंग ब्रेथ, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, एंक्शस हो रहे हो, एजिटेटेड हो रहे हो, अस्पताल में जाना है। अगर दूसरे सिम्टम साथ में है वो ज़्यादा जरूरी है, ब्रीदिंग के साथ फीवर, कफ, राइट, आपका दर्द तो नहीं है कहीं, नौजिया, वॉमिटिंग, कहीं हाथ पैर नीले तो नहीं पड़ रहे, कहीं आपको वीजिंग साउंड तो नहीं आ रही, सांस में गर्गलिंग साउंड तो नहीं आ रही, खांसी बलगम में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे, बेहोश तो नहीं हो रहे, कफ, ब्रीदिंग या हार्ट बीट तेज तो नहीं हो रही, पसीना तो नहीं आ रहा, इन सब से हमें आइडिया मिलता है कि ऊपर दिए गए इतने सारे में से कौन सी बीमारी है। इसमें एक बीमारी है कोविड, और कोविड या कोरोना में कोई मेजर ट्रीटमेंट है नहीं, आपको सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन करना है और डॉक्टर से बात करना है। एलर्जी है तो वो रैश भी आएगा, आपको रैशेज आएंगे, सूजन आने लगेगी आपके गले में, मुंह में, टंग में, कहीं कई जगहों पे चोट लगी है तो ब्लीडिंग, विजिबल वुंड भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे पेशेंट जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता कोरोना से है, फरोना से है, क्या है, तो फर्स्ट एड आप क्या देंगे? पहले तो आपने डॉक्टर को फोन करने का ट्राई करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट एक्चुअली में ब्रीदिंग करके बेहोश हो गया है, तो आप उसका एयरवे, ब्रीदिंग, पल्स चेक करके सीपीआर करेंगे। मैंने सीपीआर वाले वीडियो में बताया है आपको कैसे करना है, सीधा छाती पे आपने दबाते रहना है और 1 सेकंड में 2 बार दबाना है, ठीक है? कोई टाइट कपड़े हैं लूज कर देने हैं उस पर्सन को, अगर कोई अस्थमा है और अस्थमा का इन्हेलर लेते हैं वो तो दवा देनी है, अगर वो होश में है तो उसके हिसाब से, और जब तक कोई हेल्प नहीं आ जाती पेशेंट को मॉनिटर करना है। अगर कहीं कोई चोट लगी है, कहीं कोई वूंड है, तो उस वूंड को आप दबा सकते हैं अगर वहां से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि पेशेंट जो है वो, उसके सांस से आवाज आ रही है, आपको वो नहीं पता, तो तो आप पेशेंट को मॉनिटर करें, उसकी पल्स चेक करते रहें, उसकी ब्रीदिंग चेक करते रहें, राइट। ये अज्यूम नहीं करना है कि वो ब्रीदिंग इंप्रूव हो रही है, आपने पल्स चेक करते रहनी है, पल्स बढ़ रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर है तो सेचुरेशन चेक करना है, पेशेंट को जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाना है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, पर्सन को कोई, पेशेंट को कोई खाने पीने की चीज़ नहीं देनी है, कोई भी चीज़ खाने की या पीने की नहीं देनी है, उसको मूव नहीं करना है, उसको बहुत ज़्यादा, अगर मान लो उसको इंजरी लगी है, कोई चोट लगी है, तो मूव नहीं करना, अननेसेसरी मूवमेंट दिक्कत देगी। अगर मान लो कोई स्टैब वूंड है, कोई 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 घुसी चीजें हैं छाती में, तो वो और ज्यादा दिक्कत कर देगी, तो ये नहीं करना। पर्सन के सर के नीचे, पेशेंट के सर के नीचे पिलो रख सकते हैं, और अगर देखिए पिलो ऐसा एयरवे क्लोज नहीं होगा, ठीक है? सर के नीचे पिलो नहीं रखना, उसके साथ क्या होगा, एयरवे क्लोज हो सकता है, सर प्लेस, डोंट प्लेस इट, ठीक है? उसके बाद कोशिश करो कि मेडिकल हेल्प जल्द से जल्द आ जाए, और अगर नहीं आ रही है तो तब तक सीपीआर करते रहो, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, सीपीआर करना है और प्रिवेंशन करनी है। प्रिवेंशन के लिए अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है, तो वो एलर्जी के लिए एपिनेफ्रिन पेन या डॉक्टर की दी गई दवा पास रखे। अस्थमा है तो अस्थमा में एलर्जेंस दूर रखें, अस्थमा का इन्हेलर पास रखें, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू दूर रखें, अपने लंग्स के लिए एक्सरसाइज करते रहें, एक्सरसाइज में प्राणायाम, अनुलोम विलोम और जैसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, छोटे से स्ट्रॉ से पानी में फूंक मारें, पूरी की पूरे लंग्स को खाली करें, पूरा का पूरा लंग्स आपने फिर से भरें, छोटे से स्ट्रॉ से वैसे करें, दैट इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग के ऊपर, दैट इज व्हाट यू विल डू व्हेन यू आर नॉट एबल टू ब्रीद। बच्चा है तो बच्चे के लिए मेक श्योर करें कि उनको रेगुलर उसका वूपिंग कफ का, दूसरी चीज का वैक्सीन मिले, बच्चा रेगुलर अपनी अस्थमा की दवा खाए। किसी प्रकार का इस तरह के ओवरवेट हैं तो ध्यान रखें, आपका हार्ट अटैक की हिस्ट्री, आपके खर्राटे और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हिस्ट्री डॉक्टर को ज़रूर बताएं, और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। और कोविड के लिए, कोरोना के लिए आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल, आपके ब्लड के अंदर, आपकी हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका टेम्परेचर, ये मॉनिटरिंग होते रहे। इन 4 चीज़ों की आपने मॉनिटरिंग करनी है, और अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फीवर बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से बात करके IL-6, प्रोकैल्सिटोनिन, फेरेटिन और डी डाइमर का टेस्ट आपको करना है, और नेसेसरी मेडिकेशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे शुरू करनी है।
ऑनलाइन कंसल्ट करें अगर हॉस्पिटल जाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कंसल्ट करें। अस्पताल जाएं अगर इमरजेंसी लग रही है, लेकिन ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी।